हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी का फेस्टिवल बहुत अच्छा हो ये कामना करती हूँ मैं। और आज देखूँगी कि आपके पसंद करंट फीलिंग्स क्या हैं। अपने अपने पर्सन को आप याद कर लें, उनका नाम मन में ले लें, ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके, रेजोनेट हो सके और पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें, अपने मैनिफेस्टेशंस करते रहें। 11/11 पोर्टल हमारे लिए ओपन हो चुका है, तो आप उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जितना कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव रह सकते हैं। इन कार्ड को आना ही था, क्योंकि इतना पॉपअप हो रहे थे जैसे लग रहा था कि बस अभी आ ही जाना है। ओके, तो 5 of Swords से शुरुआत हुई है। स्टार का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। गिल्ट है किसी बात का यहाँ पर, हो सकता हो आपको धोखा दिया हो सकता हो आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर किया हो, इस वजह से यहाँ पर मुझे यहाँ पर गिल्ट नज़र आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके का गिल्ट, यहाँ पर आपको तकलीफ पहुँचाने का जो गिल्ट है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपसे बात करने का भी मन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज वाली हैं। आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपको कॉल और मैसेज भी करने का मन कर रहा, हो सकता हो कर भी दें, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट सभी के साथ नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूँ। अपनी विशेस जो कि उनकी पर्सनल लाइफ में है और आपके साथ जो जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस्ड करने के बारे में उनके मन, उनके जो फीलिंग्स हैं कि वो बैलेंस्ड हो जाएं, वो चीज़ें जो मेरी बिखर गई हैं, जो मेरी टूट गई हैं, वो सही हो जाएं, वो अच्छी हो जाएं, ताकि मैं अपने चीज़ों में आगे बढ़ूं। मेरी जो विशेज हैं, मेरा जो पर्सन है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, वो सब इक्वल हो जाए, मेरा मेरे पर्सन के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, मेरा मेरे पर्सनल चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, ताकि मेरी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस आ सके। तो यहाँ पर अपनी विशेस के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, और उन्हीं बातों को लेकर ये होपफुल भी हैं कि मेरी चीज़ें यस मैनेज हो जाएंगी, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन जो है एक अच्छा बैलेंस बिठाने के बारे में सोच रहे हैं। जिनकी भी बातचीत चल रही है वो भी, जिनकी बातचीत नहीं चल रही है वो भी, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी बातचीत चल रही है, अपने अपने रिश्ते को अपनी कम्युनिकेशन से बेहतर बना के रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बेहतर बना के रखें, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये रिलेशनशिप में मिस हुई तो सब मिस हो जाता है। और इन्हीं चीज़ों की कमियां भी पाई जाती हैं। अक्सर देखा गया कि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, हम अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, हमारी जम नहीं रही है, तो इन चीज़ों को बना के रखें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको कॉल और मैसेज करने का या तो वो वेट कर रहे हैं, या तो उनका मन भी कर रहा होगा करने का। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पैशनेट दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपना रिलेशनशिप को लेकर खास तौर पे। जाहिर सी बात है, फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो मन होगा मिलने का, मन होगा देखने का, मन होगा बात करने का। जिनकी बातचीत चल रही है उनके पर्सन तो उनसे मिलने आ सकते हैं, बात भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, लेकिन जिनकी बातचीत नहीं चल रही, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, उनके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मिसिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। उनका मन है कि मेरा रिलेशनशिप जो है जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, मैं अपने पर्सन के साथ अपनी सारी चीज़ें ठीक कर पाऊँ और आगे अपनी चीज़ों को बढ़ूँ। लेकिन क्योंकि वही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसके वजह से यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशनाइज्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कब मेरी लाइफ में नई शुरुआत होगी, कब मेरी लाइफ में ये जो टेंशन्स हैं ये ख़त्म होंगी, कब मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें ठीक होंगी, कब हमारी लाइफ में बैलेंस्ड आएगा, कब मेरी चीज़ें जो मैं होपफुल हूँ इतना कि हाँ मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरे अंदर विश्वास है, वो विश्वास कहीं टूट ना जाए। बार बार अपने आप को, हो सकता हो ये करने की कोशिश करते हों कि अपने आप को समझाते हों, और बार बार उनका जो दिल है वो बिखर जाता हो या टूट जाता हो, या उनकी जो मन का जो विश्वास है वो वीक पड़ जाता हो, तो इसके वजह से ये कहीं ना कहीं टेंशनाइज्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं, या इस वक्त टेंशनाइज्ड हैं कि मेरी साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो रही, ना मेरे करियर में, ना मेरे रिलेशनशिप में। और जिनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में चल रहा है, वो भी, उनके भी पर्सन की सेम सिचुएशन है कि क्यों ठीक नहीं हो रहा। ये सभी के लिए है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, आप अपने अपने हिसाब से अपने अपने चीज़ों को लीजिएगा, जो जो आपसे रेजोनेट करे। तो यस, यहाँ पर जो है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैं मांग रही हूँ या जो मैं मांग रहा हूँ, ये मेरे लिए कब शुरू होगा, कब पूरा होगा, कब
शुरुआत होगी नई लाइफ में, कब ये जो रुकावटें हैं ये खत्म होंगी, कब ये जो घोड़ा है ये चलेगा। और ये हार्ड वर्क दिखाता है, मेहनत दिखाता है, ये आपको सडन सक्सेस देगा, सडन जो है ये आपकी लाइफ में रुकावटें भी देगा और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो डोंट वरी, ये सडन आपको सक्सेस भी देगा, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क, अपनी मेहनत, अपने एक्शंस, अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं उन, अपने रिलेशन के प्रति, अपने करियर के प्रति, उन्हें आपको कंटिन्यू करते रहना होगा, ताकि जो है अपनी चीज़ें, मेहनत भी तो चाहिए ना, यूनिवर्स देखेंगे ना कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपने कामों में जान डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, आप में जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप उनसे मांग रहे हैं, जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायर्ड है, चाहे वो रिकन्सिलेशन हो या आपका करियर हो, कुछ भी हो, उसमें आपकी जी जान लग भी रही है या नहीं लग रही है, सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं और बैठे बैठे। तो अपने आप को बिल्कुल भी लूज ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। 11/11 पोर्टल चालू है, आप उसमें जितना जी जान लगा के मैनिफेस्ट कर सकते हैं करें, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। मेरा जो मेरा काम है, मेरा पर्सन है, यस मुझे मिलेगा, मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, जो भी है आप जनरल कर सकते हैं, जो भी आपके मन में है वो चले करें आप, ताकि आपकी लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट हो, एक अच्छी सक्सेस मिले आपको, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर बात है वो है पछतावा आपके साथ, आपके साथ गलत बिहेवियर करने का, और उस बिहेवियर की माफ़ी भी मांगने का। मे भी आपसे कभी मिलें तो आपसे वो माफ़ी भी मांगेंगे, आपको शायद धोखा दिया है तो उसका भी पश्चाताप है, और ये मन में ये भी बैठा के रखा है कि यस जब भी मेरी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी तो यस मैं उन चीज़ों के लिए सॉरी भी कहूँगी या कहूँगा। अपने रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, और अपने करियर को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है दिखाई दे रहे हैं। उसी बात की उनको टेंशन भी है कि मेरी लाइफ में कुछ नया शुरू नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ जो है स्टेबल नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मैंने जल्दबाजी में गलत फैसले ले लिए हैं, उन चीज़ों का मुझे भुगतान करना पड़ रहा है, और उन्हीं भुगतान के वजह से यहाँ पर आपके पर्सन के जो माइंड है वो नेगेटिव है। सिर्फ माइंड नेगेटिव है, उनकी पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं कि यस उनकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, उनका पर्सन उनको मिलेगा, उनका करियर उनको अच्छा चलेगा, लेकिन फिर भी होता है ना, हम कितना भी पॉजिटिव सोचें, इतना सा भी पर्सन मेरे हमारे अंदर वो नेगेटिव पॉइंट रहता ही रहता है, वो डाउट रहता है, मैं पॉजिटिव तो हूँ, होगा भी कि नहीं होगा, मैं पॉजिटिव रह रही हूँ, ये करेगा कि नहीं करेगा, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रहती है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है, ओके। अगर आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता है आपको अगर, तो आपको ध्यान रखना है कि उन ही बातों का जिक्र करें जो ज़रूरी हैं, अननेसेसरी बातों को, पास्ट की बातों को ना उठाएं। यहाँ पर आपके पर्सन के फ़िलहाल जो है फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, आपके साथ रीयूनाइट को लेकर, आपके साथ बैलेंस बिठाने को लेकर, और आपके साथ सारी चीज़ों को ठीक करने को लेकर, आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, सब कुछ है, और उन्हीं बातों की यहाँ पर आपकी टेंशन भी है, क्योंकि हो सकता हो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिलने का मन हो, बात करने का मन हो, जैसा जिसके साथ हो आप देख लीजिएगा, ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।